हाय व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल माइना स्टाइल कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज मैंने बिना पार्लर नेचुरली हेयर को बरगंडी कलर कैसे बनाऊंगी मैं आपकी बताऊंगी। नेचुरल बरगंडी हेयर कलर के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बीटरूट। चुकंदर को छोटा छोटा पीसेस कर लेना है। इस पीसेस को ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बना लेना है। मैंने बीटरूट को पेस्ट बना लिया। इस पेस्ट को एक बाउल में लेना चाहिए। इसमें हाफ कप वाटर ऐड कीजिए। इसमें किसी भी ब्रांड का हेना पाउडर ऐड कीजिए। सॉफ्ट पेस्ट बनाने के लिए इतना चाहिए उतना लेना है। इसमें एक नींबू का रस ऐड करना चाहिए। फ्रेंड्स, नींबू का रस हेयर कलर को एनहांस करने के लिए बहुत ही मदद करती है। ये सब चीज़ों की अच्छी तरह से मिला दीजिए। इस बर्गंडी हेयर कलर को आप इजीली बना सकते हैं। बिना केमिकल्स, बिना पार्लर आप इजीली आपके हेयर को बर्गंडी कलर बना सकते हैं। इसमें हमें मिलाया चुकंदर। चुकंदर हेयर के लिए बहुत ही अच्छी है। इसमें ज़्यादा विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स रहती है। ये सब हेयर को स्ट्रेंथ करने के लिए बहुत ही मदद करती है। वैसे भी इसमें हमें यूज़ किया नींबू का रस। नींबू का रस हेयर कलर को एनहांस करती है। वैसे भी इसमें सिट्रिक एसिड, विटामिन सी भी है। ये सब हेयर डैमेज को रिड्यूस करती है, वैसे भी हेयर फॉल को कम करती है। इसमें हमें यूज़ किया हेना पाउडर। हीना पाउडर नेचुरली बालों की कलर एनहांस करने के लिए बहुत ही मदद करती है। ये सब चीज़ों ऐसे मिलाकर अप्लाई करने से बाल बरगंडी कलर में आ जाती है, वैसे भी हेयर फॉल रिड्यूस होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। ऐसे मिलाने के बाद इसको स्कैल्प पर पूरी बालों पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले इस मिक्सर को ओवरनाइट ऐसे रहने दीजिए। सुबह सुबह इसको आप बालों पर अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करने के बाद 2 से 3 घंटे तक ऐसे रहने दीजिए। 3 घंटे होने के बाद किसी भी हेयरबल शैम्पू के साथ वॉश कीजिए। ऐसा करने से आप इजीली आपके हेयर को बरगंडी कलर बना सकते हैं। बिना साइड इफ़ेक्ट्स, बिना केमिकल के साथ आपके हेयर को नेचुरली बरगंडी कलर बना सकते हैं। आप इस होम रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपकी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।